एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, आज कुछ मेकअप थोड़ा सा ना ज़्यादा लग रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक कर लेंगे। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ, एक लगन सगाई है मेरे भाई की, है मेरे चाचा का बेटा है, तो उसकी लगन सगाई में मैं जा रही हूँ, तो बस वहीं पे जा रही हूँ। तो आज वहीं का ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा, तो देखते हैं अभी गांव से कौन कौन लोग मिलने वाले हैं, कौन कौन आएगा, तो देखते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगता है अपने मायके साइड में जाने में, और देखते हैं कुछ लोग तो शादी में आएंगे और कुछ आज देखते हैं कौन कौन मिलता है। बाकी एक्साइटमेंट है काफ़ी, क्योंकि जब भी मायके साइड में जाती हूँ शादी में तो अच्छा लगता है, सभी लोग मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिल को खुशी मिलती है। तो देखते हैं आज। वैसे चलिए, तो आज आपको लगन सगाई का ब्लॉग मिलेगा, बच्चे जा रहे हैं और बस मैं जा रही हूँ। और देखिए मैंने ये करवा चौथ वाला ही लहंगा डाला है और बस बाल कल कराए हैं। चलिए आपको अभी मैं आगे दिखाती हूँ कि बाल किस तरीके से कल किए हैं सुजाता ने, और सुजाता काफ़ी अच्छा मेकअप करती हैं और बाल वगैरह ये कल अच्छे से बिल्कुल ये सेलिब्रिटी वाला जो टच है उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। देखिए अगर आपको मेकअप वगैरह कराना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूंगी, डाल दूंगी। अगर आप यहाँ पे हरियाणा के आसपास फरीदाबाद बल्लभगढ़ के आसपास रहते हैं तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, और बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में ये मेकअप वगैरह कर देती हैं पूरा अच्छे से, घर में आके आपको पूरा अच्छे से बुकिंग वगैरह पहले करानी पड़ती है, बोलना पड़ता है एक दो दिन पहले, तो अच्छी सर्विस देती हैं काफ़ी। चलिए आप लोग एंड तक ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप लोग। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे सुजाता को मैंने बुलाया है, देखिए अपनी हेयर स्टाइल के लिए, और बिल्कुल सेलिब्रिटी वाला जो टच है ना वो बिल्कुल ये वाला टच देती हैं। तो अगर आप लोगों को कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। तो भाई ये देखिए फाइनल लुक मेरा तैयार हो गया इस तरीके से। और देखिए जब भी किसी शादी वादी में जाती हूँ ना, शादी या फंक्शन में, तो ये पर्स ले जाती हूँ, इसमें कुछ पैसे वगैरह हैंकी वैंकी वैसे तो नहीं ले आती, मुझे झंझट लगता है, बट ये है कि देखिए लहंगे के साथ लुक भी अच्छा आ जाता है इसका। तो गाइस अभी निकल गए हैं और हम लोग ना अभी तो जाऊंगी, मैं फ्लैट है हमारे चाचा का तो वहाँ जाऊंगी, लगन सगाई में तो अभी थोड़ा सा टाइम है, 5 बजे के बाद होगी, तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं, बच्चे आ गए हैं। देखिए ये बच्चा जा रहा है वहाँ पे ले लद्दाख, ये देखिए मफलर लगा रखा हैवी वाली जैकेट पहनी हुई है इसने, अभी घर में हाफ टी शर्ट में घूम रहा था ये, थे अब उतारना शुरू हो गया हाफ टी शर्ट। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ चाचा जी के फ्लैट पे, तो देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन की है, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन करवाई है, और बस मैं जा रही हूँ अंदर। तो ये बगल वाला फ्लैट है जिसमें गेस्ट वगैरह रुके हैं, तो मुझे पता नहीं था, डायरेक्ट मैं इसी में चली गई, और चलिए बने भाई साहब बोले कि मैं छोड़कर आता हूँ, पर तक बुआ नमस्ते, थैंक यू थैंक यू, पहचान लियो कि ना पहचानो ये बता पहले तो। बनुआ मनुआ और मनुआ, वो कहा है रिश्तेदार आएंगे नीचे आएंगे, वो गाड़ी में भाई साहब आए तो जेठ है, बोले मैं छोड़ जाऊंगा, इन्हें बड़ी चिंता रहती है, अच्छा। अकेले नहीं आन दिया मेरे को ऊपर तक, अच्छा वो नहीं आए, कम दिखा रहा है, अच्छा वो बोले कि मैं आज ही आ जाऊंगा। नमस्ते,
ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ, कंग्रेचुलेशन शादी कर रहे हैं नोएडा की लड़की से। टाइम से आगे अपने भाई की, मैं टाइम से नहीं आऊंगी, ये पता लाना ही होगा। मस्त चौधरी। तो गाइस मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ चाचा के फ्लैट पे, हमारे चाचा का फ्लैट है यहीं पे एसआरएस में पलवल में, और सभी से मिली हूँ। आप लोगों ने वीडियो में देखा थोड़ा शोर हो रहा है, बुआ जी से हमारे मेरे बाबा की बहन है, बिल्कुल मेरे बाबा की बहन का ना मुँह बिल्कुल ऐसा ही है। ये देख आई होता हूँ, वो कह रही है कौन है, उनको नहीं पता कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो बस यहीं पे बिल्कुल ऐसी ही फ्लैट पे पहुँच गए, बस थोड़ी देर में अभी जाएंगे बैंकेट हॉल में। चलिए आप लोग एंड तक ब्लॉग में बने रहिए, सब लोग रेडी वेडी हो रहे हैं अभी, बस मैं जल्दी पहुँच गई हूँ टाइम से, 4 बजे 5 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अच्छा लग रहा है काफ़ी। वो तो एकदम परफेक्ट वाली एकदम शादी नहीं, अच्छा लग रहा है। खिंच रहा है फोटो भी खिंच रहा है, बहुत लोग देखते हैं वीडियो मेरी, कम से कम 8-10 हज़ार 20 हज़ार लोग देखते हैं। फोटो भी खिंचने के साथ साथ लोग भी देख रहे हैं, आपको देखेंगे। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं वहाँ के लिए, बैंकेट हॉल के लिए, यहाँ पे सब अभी। और देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की है हमारे चाचा ने काफ़ी अच्छी की नहीं है, करवाई है। ये देखिए काफ़ी सुंदर डेकोरेशन की है। और अभी मथुरा से आ रहे हैं सभी लोग, बहन आ रही है, मम्मी पापा सभी सब लोग आ रहे हैं, तो अब उनसे भी मिलेंगे फाइनली। तो गाइस हम पहुंच गए हैं बैंक्वेट हॉल में फाइनली। इस तरीके का बैंकेट हॉल किया है, और देखिए झूमर कितना प्यारा है पीछे। अभी तैयारी चल रही है फिलहाल, अभी गेस्ट आए तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है हमारे चाचा का, खाना पीना भी स्टार्ट नहीं हुआ है, रश दिखाई नहीं दे रहा आपको, हम जल्दी आ गए हैं, बस अभी थोड़ी बहुत देर में स्टार्ट होगा। अभी तो सब मामला खाली पड़ा है गाइस, इसके देख खाली पड़ा है, अभी स्टार्ट होगा सारा।
यहाँ पे सबसे पहले मेरी बहन ले रही है फ्रूट्स मम्मी के लिए और अपने लिए, क्योंकि इन लोगों का व्रत चल रहे हैं कार्तिक के। और देखिए यहाँ पे मैंने बुलाया था, आई इसीलिए बोली कि हम खाएंगे तो कुछ नहीं बट आ जाते हैं, तो मम्मी और बहन आ गए थे ये लोग। और बस बेचारों ने कुछ नहीं खाया इन्होंने, बस केवल फ्रूट्स पर ही जिए ये, क्योंकि व्रत था। और देखिए हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं मंचूरियन, और देखिए अच्छा तो नहीं लग रहा था ये सब चीज़ें खाने में, लेकिन व्रत पूजा पाठ कुछ ज़्यादा ही करती हैं मेरी मम्मी और बहन, करती तो मैं भी हूँ लेकिन इतनी नहीं करती जितनी वो करती हैं। तो बस यहाँ पे पूरा खाना पीना स्टार्ट हो गया है, मानवी ने भी ले लिया, पाव भाजी ले आई है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट ये नाश्ता है, तो बस हम लोग कर रहे हैं इंजॉय। तो देखिए मेरे पापा ना स्पेशली लेकर आए मशरूम, ये मशरूम टिक्का और उन्होंने 2-3 प्लेट स्पेशल लेकर आए कि चल बेटा खा। और हमारे लिए देखिए मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हमारा सभी का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ही अच्छे हैं मेरे पापा, कोई भी नहीं है इस धरती पे। तो देखिए इस ये वाली रील भी मैंने बनाई है, तो आप लोग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर वॉच कर सकते हैं, फॉलो करिए मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। तो बस यहाँ पर सब लोग मिल रहे हैं, ये मेरे बहन के बच्चे हैं, चाचा की बेटी हैं, उनकी बेटियाँ हैं, और ये बहन है छोटी सीमा है और हेलो बोल रही है आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए मेरे चाचा हैं, मम्मी हैं, बहन, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं और कह रहे हैं मेरे से कि ये व्लॉग में आएगा। मैंने कहा हाँ वीडियो में आएगा, आप देख लेना। तो देखिए काफ़ी अच्छा मिलता है सभी से, मतलब बहुत अच्छा लगता है सबसे मिल के। तो सॉरी थोड़े से वर्ड इधर उधर हो जाते हैं खुशी के चक्कर में। तो देखिए बहुत ही बढ़िया लगता है अपने परिवार से मिलना, सभी को बहुत अच्छा लगता है, खासकर जो बेटियां दूर रहती हैं हम जैसी मुझ जैसी, और वो काफ़ी टाइम बाद मिलती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है काफ़ी। तो यहाँ पे बस लगन सगाई स्टार्ट हो गई है भाई की, तो देखिए यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम लगन सगाई का। तो बस तो देखिए सबसे पहले जो ससुराल से गिफ्ट मिलते हैं लड़के को, तो वो अपनी दादी की दादी को देते हैं, और उनको सबसे पहले जो सबसे मेन होते हैं तो बस डांस वांस करने के बाद थोड़ा सा खाना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए पहले नाश्ते से इतना ज़्यादा पेट भर चुका है कि खाने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी
देखिए लेना ही लेना है खाना, तो खाने में कुछ नहीं पर चावल देते हैं। घर पर और देखिए अभी बस अभी चेंज किए हैं कपड़े वपड़े, बस फेस वगैरह वॉश करेंगे। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, नए व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड सी यू अगेन, गुड नाइट, राधे राधे।